हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लेट्स डू इट टुगेदर विद आशीष। हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और न्यू ऐप के बारे में जिसने रिप्लेस किया है कैम स्कैनर को। इसका नेम है डॉक्स टैग ऐप। दोस्तों, ये ऐप आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट ने बनाया है और काफ़ी अच्छा ऐप है और काफ़ी अच्छी इसकी रैंकिंग भी है। एंड आज के वीडियो में हम इसी ऐप के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नेम है आशीष और आप देख रहे हैं लेट्स डू इट टुगेदर विथ आशीष। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसे अगर ऐप स्टोर पर सर्च करेंगे या फिर प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं तो इस ऐप से नेम आएगा इसका कीप स्कैन पर। इसका जो नाम है डॉक्स टैग, इसका नाम है ओके। और इसके ये दोस्तों इसे दिल्ली के आईआईटी के स्टूडेंट ने बनाया है जिसका नाम है उत्कर्ष गुप्ता, जैसे देख पा रहे हैं डेवलपर ओके फ्रेंड्स उत्कर्ष गुप्ता। और दोस्तों, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर इसमें लॉन्च किए। क्या क्या फीचर मैं बता देता हूँ इसमें दोस्तों। टच आईडी यूज़ कर सकते हो और फेस आईडी भी यूज़ कर सकते हो अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सब्सक्रिप्शन ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है। देखो एक बार इसके रिव्यू की बात कर लेते हैं। द वन स्टॉप सॉल्यूशन टू हेल्प यू ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस योर डॉक्यूमेंट ईजिली। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा एंड सिक्योर ऐप है। अगर इंडिया का ऐप है तो ऑब्वियसली सेफ एंड डेटा भी आपका सिक्योर होगा, तो आपको जरूर यूज़ करना चाहिए ऐप। मल्टीपल ऑप्शन टू स्कैन और इम्पोर्ट एनी डॉक्यूमेंट यू नीड जस्ट इन अ फ्यू सेकंड। तो दोस्तों, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके गैलरी में, उन्हें भी आप अपलोड कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो ओके और शेयर कर सकते हो। व्यू, एडिट, सेव एंड शेयर यूर डॉक्यूमेंट विथ जस्ट अ फ्यू स्टेप्स। जैसे स्कैन करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप ईमेल पे, मैसेज पे शेयर कर सकते हैं स्कैन करके। शेयर विथ डॉक्यूमेंट ईजिली वाया मल्टीपल शेयरिंग सर्विस। जैसे हमने बताया मेल के थ्रू, आई मैसेज के थ्रू, व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे आप इजीली शेयर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज योर फाइल बाय ग्रुपिंग देम इनटू इजीली कस्टमाइज फोल्डर। और दोस्तों, नाम डाल सकते हैं, फोल्डर डाल सकते हैं और वैलिडेशन डाल सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट भाई एक महीने के लिए मुझे वैलिड रखना है, उसके बाद ये डिलीट हो जाए, मुझे उससे फ़र्क नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपडेट है इस ऐप में। फेवरेट सेक्शन फॉर द डॉक्यूमेंट दैट यू नीड फ्रिक्वेंटली। और दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन भी दे रखा है जो फेवरेट है, जिसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट को रख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है ना फेवरेट कॉन्टैक्ट, इस टाइप से एक फेवरेट फोल्डर है जिसमें आप सारे को जो भी आपके डॉक्यूमेंट फेवरेट उस पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं ओके। पर्सनलाइज योर ऐप अकॉर्डिंग टू योर यूनिक नीड्स यूजिंग दिस सेटिंग्स मेनू। तो दोस्तों, अपने ऐप को पर्सनलाइज के थ्रू भी सेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ओके। तो इस हिसाब से देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो अपग्रेड टू प्रीमियम, जो प्रीमियम है दोस्तों, उसका 70 to 80 रुपीज़ के अराउंड है, वो भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको। काफ़ी अच्छे फीचर हैं, एक बार देख लेते हैं। 12 MB का ऐप है दोस्तों, बहुत छोटा सा साइज़ है इसका। आईफोन, आईपैड, एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब दिखाता हूँ इसे कैसे साइन अप करना है। जैसे डाउनलोड करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। वेलकम टू कीप स्कैन द वन स्टॉप ऐप फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट बिल, आईडी कार्ड्स डाउन टू योर ग्रॉसरी बिल्स। तो दोस्तों, एप्पल कंटिन्यू विथ एप्पल आईडी से भी कर सकते हैं, जैसे आईफोन, आईपैड, आईपॉड यूज़ कर रहे हैं तो, या फिर कंटिन्यू विथ गूगल आईडी से भी कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं सिंपल तरीके से साइन अप करना, तो मैंने एक सर्कल किया हुआ रेड कलर का, देख पा रहे हो, उसे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है साइन अप फॉर कीप स्कैन, तो आपको ईमेल आईडी डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है एक डिजिट का और साइन अप पे कर देना है। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इस सबसे ऑप्शन आ जाएगा, आपको प्रोफाइल में आपका नाम डाले, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेगा, ऊपर देख रहे हो डन पे क्लिक कर देना। डन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा वेलकम टू कीप स्कैन। तो इस टाइप से दोस्तों काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे टच एंड होल्ड एंड डॉक्यूमेंट ओपन द क्यू। तो ये दोस्तों सारे प्रीमियम में ऑप्शन है, एक बार देख लेते हैं। अपग्रेड टूडे फॉर जस्ट 779 रुपीज़ में, तो मतलब 80 रुपीज़ में आप इसका प्रीमियम ले सकते हो। बहुत ईजी है और दोस्तों काफ़ी अच्छे इसमें फीचर, जैसे टच आई डी, फेस आई डी इसके मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, स्टोर अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट ऑन योर डिवाइस एंड ऑन द क्लाउड कंपेयर टू द लिमिट ऑफ 30 डॉक्यूमेंट विदाउट द प्रीमियम वर्जन। अगर प्रीमियम नहीं भी लेते तो दोस्तों 30 डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, और प्रीमियम लेने के बाद अनलिमिटेड स्टोरेज भी मिलेगा, प्लस आपको फेस आई डी और टच आई डी भी इसे सिक्योर करने के लिए रख सकते हैं। और अब दिखाता हूँ इसे दोस्तों आपको लाइव। तो इस टाइप का ऐप है, देख पा रहे होंगे, मैंने भी एक दो डॉक्यूमेंट स्कैन किए हैं, देख पा रहे होंगे आप। अब एक बार आपको लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख रहे हो सेटिंग्स में, सेटिंग में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कीप स्कैन प्रीमियम पे क्लिक करने, जैसे अगर प्रीमियम लेना चाहते हो उस पर ले सकते हैं, अपग्रेड टूडे कर सकते हैं, और लेटर बाद में लेना चाहते हो बाद में ले सकते हो। अब बैक आ जाते हैं डेटा स्टैटिक्स। तो यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों जो भी मैंने डॉक्यूमेंट किया उसका साइज़ भी दिखा रहा है, यहाँ से पीडीएफ फाइल है ओके। यहाँ से साइन आउट भी कर सकते हैं आपको ओके। अब आ जाते हैं यहाँ पे होम पे आ रहे, होम पे आ जाते हैं,
होम पे आने के बाद दोस्तों मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ ब्लू कलर का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे टेक फोटो, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स, इंपोर्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, स्कैन डॉक्यूमेंट। तो हमें क्या करना है दोस्तों, फोटो स्कैन करना है डॉक्यूमेंट, सपोज़ कीजिए हम स्कैन करना, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करना है डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे ले लेते हैं ठीक है, ड्रैग नियर, तो यहाँ पर अकाउंट चूज़ भी कर सकते हो या फिर रिटेक करना चाहते हो रिटेक भी दोबारा ले सकते हैं। ओके ठीक है, इस तरह से कीप स्कैन पे क्लिक कर देना है आपको, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अब इसमें दोस्तों अपना इसका जैसे इस पर क्लिक करते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हो, यहाँ पर देख रहे होंगे थ्री सर्कल से बने, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट करना चाहते ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, लाइट करना चाहते हो लाइट भी कर सकते हैं, और इसे रोटेट करना चाहते हो रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ऊपर देख रहे हो रोटेट करने के बाद जैसे डन लिखा है, डन कर देना आपको और यहाँ पर सेव भी कर देना, तो यहाँ डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा, दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक बार दोबारा क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। अब लेते हैं टेक फोटो, टेक फोटो पे ले लेते हैं फ्रेंड्स। ओके यूज फोटो, अब जैसे फोटो नाम डालना चाहें तो आप पेज टू डाल देते हैं, पेज टू सेव, सेव करना चाहे तो सेव कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे दोस्तों एक बटन देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आपको इसे टाइम पीरियड देना कि इस डेट तक इसे वैलिड रखना है, उसके बाद ये डिलीट हो जाए तो मुझे मतलब नहीं, तो यहाँ पर वो भी सेट कर सकते हैं आप, जैसे एक्सपायरी डेट होती है। ओके तो मैं कुछ रहने देता हूँ, सेव कर देता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेज टू के नाम से सेव हो गया। ओके फ्रेंड्स, इसे पुराने वाले को डिलीट कर देता हूँ, अब एक स्कैन फाइल करते हैं, सेम मेथड है, इस पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, यहाँ पे हमें स्कैन करना है। कीप स्कैन पे क्लिक कर देना है आपको सिंपल, ओके सेव पे क्लिक कर देना है और डॉक्यूमेंट का नाम डाल देना है, डॉक्यूमेंट में पेज थ्री डाल देते हैं। ओके सेव, तो हमें दोस्तों पीडीएफ फाइल में बन के आ जाएगा स्कैन फाइल आपकी। ओके और यहाँ से फ्रेंड्स देख रहे होंगे एरो है लेफ्ट हैंड पे, यहाँ से दोस्तों व्हाट्सअप पे, मेल पे, आई मैसेज पे, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं इजीली। ओके तो बहुत अच्छा ऐप है दोस्तों, इंडिया का ऐप है तो काफ़ी अच्छा ही है और यूज़फुल है एंड प्लस सेफ है दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है। ओके और जैसे आपको इस डॉक्यूमेंट को रखना है, स्टार करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा, लॉक करना चाहे तो पासवर्ड भी डाल सकते हो, पर ये सारे फीचर दोस्तों प्रीमियम वर्जन में अपडेट है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड फोल्डर भी कर सकते हो, नेम एडिट करना चाहते हो नेम भी एडिट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करके रखना है आपको। ओके शेयर करना चाहे शेयर कर और ऐड टू फेवरेट, जैसे मैंने बताया ऐड टू फेवरेट में करते हो तो यहाँ पर देखेंगे फेवरेट के फोल्डर में आ जाएगा। ओके फ्रेंड, सिंपल ट्रिक है दोस्तों, बहुत अच्छा ऐप है, आप भी यूज़ कीजिए, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। ओके एंड आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, एंड कोई डाउट इंक्वायरी तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड, स्टे होम स्टे सेफ़।